सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने हाल में ही बताया था कि उन पर भारत में वैक्सीन की डिमांड को पूरा करने के लिए काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरह का प्रेशर वो झेल रहे हैं वो कहीं पावरफुल लोगों से आ रहा है, उसका अंदाज़ा शायद आम लोग नहीं लगा सकते, ये बात उन्होंने कही थी। एक मैगजीन को इंटरव्यू देते समय उन्होंने कहा कि उन पर जिस तरीके का प्रेशर बढ़ाया जा रहा था, जिनकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों समेत भारत को छोड़ दिया और लंदन चले गए। अब उनका कहना है कि उनकी बातों का गलत मतलब भी निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला एक बार फिर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ा दिया गया है, टीके के उत्पादन में कई ज़्यादा तेज़ी भी आई है और इसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। जब वह स्वदेश वापस लौटेंगे यानी कि भारत लौटेंगे तो इसकी समीक्षा भी करेंगे। पूनावाला ने शनिवार देर रात एक ट्वीट किया, ट्वीट में क्या लिखा वो भी बताते हैं। ये ट्वीट उन्होंने ब्रिटेन से किया था और बताया कि इसमें उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के साथ बैठक ली और इस बैठक के बाद उन्होंने कई ज़्यादा खुशियाँ भी बांटी हैं अपने लोगों के साथ, क्योंकि पुणे की वैक्सीन का उत्पादन अब बाहर देशों में भी होगा। कुछ दिनों में वो लौट कर इस काम की समीक्षा करेंगे, इसके बारे में और भी कुछ ज़्यादा बताएंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आदार पूनावाला ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है जिसमें लिखा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोविशील्ड वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो ज़्यादा वैक्सीन बना पाएँ, मगर इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट पर क्या लिखा ये भी आपको बताते हैं। मैं यहाँ कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कही गई बातों को गलत तरीके से लिया जा रहा है। सबसे पहले वैक्सीन को बनाना एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, ये ऐसी चीज़ नहीं जिसे रात दिन बना दिया जाए। हमें यह भी समझना होगा कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है और वयस्कों के लिए वैक्सीन बनाना आसान बात नहीं है। दूसरे बड़े देश और एडवांस कंपनियां भी इसी परेशानी से जूझ रही हैं, ये बात हमें समझनी होगी। दूसरी बात, हम बीते साल अप्रैल से भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं, हमने हर तरह के सपोर्ट मिला, फिर चाहे वो साइंटिफिकली हो या फाइनेंशियली। हमें आज तक टोटल 26 करोड़ डोज का ऑर्डर मिला था, इसमें से हमने 15 करोड़ की सप्लाई दे दी है। सरकार की तरफ से मिले गए आंकड़ों के हिसाब से हम सही हैं, बाकी के 14 करोड़ डोज अगले कुछ महीनों में भेज दिए जाएंगे। आखिर में हम समझते हैं कि सब चाहते हैं इस परिस्थिति में वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध हो, हम ये भी चाहते हैं और हम इसे पूरा करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे हम देशवासियों को जल्द से जल्द वैक्सीन की सप्लाई दे सकें। एक अंग्रेज़ी के अखबार से बात करते हुए पूनावाला ने कुछ चीज़ों को सामने रखा था, देश की जनता के सामने वो अपनी बातें रख रहे थे और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो बातें रखी वो ये थी कि उनके पास भारत के सबसे ताकतवर लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जो उन्हें कोविशील्ड यानी कि इस वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ और भी यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर तैयार किया है, सीरम इंस्टीट्यूट भारत में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। एक बात उन्होंने और कही, मैं यहाँ लंदन लंबे वक्त तक रहूँगा क्योंकि वापस नहीं आना चाहता, उस स्थिति में नहीं लौटना चाहता, सब कुछ मेरे कंधों पर आ गिरा है और मैं ये अकेला नहीं कर सकता हूँ। मैं उस स्थिति में नहीं जाना चाहता जब आप अपना काम कर रहे हैं और किसी एक्स वाई जेड को सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वे क्या करने वाले हैं। ECP 24, नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।